दोस्तों के बीच में जब अच्छी चीजें बन जाती है ना तो वो बहुत ऑर्गेनिकली बनती है। इसके लिए ही बनती है कि हम बिजनेस करें, हम पैसे कमाएं, या यू नो हमको टीवी चाहिए, या यू नो पैसा मोनेटाइजेशन चाहिए। इट जस्ट हैपेंड बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग एंड इट इज हैपनिंग टिल नाउ द सेम वे। वैसे ही हो रहा है और वैसे ही इसको क्या बन गया था, वैसे ही यादनाना भी बना है और वैसे ही ये गाना भी बना है। बस वो कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर अस। टू लास्ट क्वेश्चंस, जब आप लोग ये बेइरादा कर रहे थे तो ये इरादा कब आया और इसको सेट पे करते हुए क्या कुछ बेइरादतन क्या कुछ हुआ भाई? क्या है इसको आपको बनाने का जब इरादा आया कब आया और इस सॉन्ग को शूट करते हुए क्या हुआ बेइरादा? प्यार और क्या होता है इरादा? So you guys are in love, man? We both are in love. Oh wow! No way! That's very important to mention. The Irada is a song that is about falling in love in an unpredictable space, somewhere where you're probably down and out, and you support each other, you give each other the emphasis that is needed. As people, और जब ऐसे कोई दो लोग मिलते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दो लोग मिलते हैं, तो बहुत वो जो प्यार होता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक होता है और वो रियल होता है। और आप सिर्फ एक दूसरे के लुक्स पे नहीं लेकिन एक दूसरे के सोल से प्यार करते हो, एंड दैट इज़ व्हाट इरादा इज़। एंड आई हैव डन माय बिट, वी ऑल डन आवर बिट टू ब्रिंग दिस ब्रिंग अ लवली स्टोरी विद दिस सॉन्ग। एक कहानी है इस गाने में, एक अच्छी सी एक स्टार्ट है जिससे आप एंड तक एक स्टोरी बिल्डअप है, ग्राफ है, जो हम लोग ने कोशिश की है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि म्यूजिक वीडियो में ज़्यादातर ना ग्लैमर, अच्छे शॉट्स, एस्थेटिक लोग बड़े बड़े लंदन जाके शूट करके आते हैं, लोग यहाँ गाने जाके करते हैं, लेकिन स्टोरी मिस नहीं। तो मेरा एम्फेसिस यही था कि इस गाने में हमें स्टोरी दिखानी, जो कि मैंने पहले भी किया है लेकिन वो याद ना आना चाहिए, वहाँ तो समझ ही गया। पर ये यहाँ पे सिंपल है, स्टोरी है और ब्यूटीफुल है, देखना जरूर, मज़ा आएगा आपको। लास्ट जाते जाते ही जाना चाहिए।